सारा सिस्टम है, चाय हो गई, फास्ट फूड का जो भी मतलब टूरिस्ट चलता है उसको मिलता है यहाँ पे, मैगी हो गई, फास्ट फूड में जो भी आइटम आती है, ब्रेड ऑमलेट हो गया, मैगी हो गई, चाय हो गई, मतलब रिसेंट जो भी कोई फैसिलिटी चाहिए गेस्ट को वो यहाँ मिल सकती है। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त हम ठीक भद्रुआ डोडा रोड पर मौजूद हैं, यानी भाला से थोड़ा आगे सेनाई है, वहां पर हम मौजूद हैं। हमारी नज़र जो अचानक एक ऑटो यहां पर है, ऑटो पर पड़ी और नज़दीक जाकर जब हमने देखा तो ऑटो के अंदर पूरा जो ढाबा रखा है, चाय यहाँ पर बनाकर दी जाती है, फिश फ्राई यहाँ पर की जाती है, समोसा यानी जो फास्ट फूड की सारी चीज़ें यहाँ पर, ऑमलेट बनाकर दिया जाता है, मैगी जो बनाकर दी जाती है। तो हमको भी काफी जो अच्छा ये लगा, ये पीछे मेरे पीछे आप देखिए ऑटो में पूरा सिस्टम इन्होंने रखा, और अंदर मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा और इनको भी बोलूंगा आप थोड़ा ये दिखाइए जरा आपने कैसे ये पूरा जो सामान यहाँ पर, जो जब हमने नजदीक आकर देखा तो ये ऑटो है, फिलहाल ये मूवमेंट में तो नहीं है, पहले ये ऑटो ये चलाते थे लेकिन इस वक्त ये ऑटो जो सेनाई का इलाका है, जो सेनाई का एरिया है, यहाँ पर ऑटो जो इन्होंने रखा है, कैसे आपको जो ये सोच आई कि ऑटो के अंदर भी ये पूरा सामान रह सकता है? फ्रिज आपने यहाँ पर रखा है, पूरा सामान जो ऑटो के अंदर आपने जो रखा है। सर ये सबसे बड़ी बात बताएं कि हमने ट्रेनिंग की थी आजाद साहब ने एचएम श्रीनगर से, तो वहीं से माइंड बना, जैसे हमारे पिकनिक स्पॉट यहाँ पे डेवलप हुए हैं छोटे छोटे, जैसे खलैनी हो गया, जाही पदरी हो गया, तो यहीं से टूरिस्ट मूव करता है, तो मैंने ये माइंड खुद ही बनाया कि पहले कोई मोमेंट ऐसी मतलब शॉप तैयार करो जो मूवेबल हो, ताकि किसी भी डिपार्टमेंट्स की ऑब्जेक्शन ना हो। डीसी साहब ने थोड़ी वो मोमेंट की कि रोड के लेवल साथ साथ में जिन्होंने जैसे रेस्टोरेंट बनाए हैं या कि खोखे तैयार किए उनके लिए, तो मैंने सब हमारे तहसीलदार साहब आए, उनको मैंने दिखाया कि सर ये ऑटो है, यानी इसका स्टेयरिंग भी है, अगर कहीं मूव करना तो फ्रिज निकाल के हम सीट लगा के ये कहीं भी मूव कर सकते हैं। अभी चलता है ये ऑटो? हाँ सर बिल्कुल, मशीनरी सारी इसकी ओके। कल ही हमारे तहसीलदार साहब बैठे थे, उनने इसकी मशीनरी देखी कि वाकई ये मूवेबल है। कितने सालों से आप यहाँ पर ये काम कर रहे हो, अपना ढाबा चला रहे हो? सर 2010 से अब तक 2023 हो गया, 13 साल हो गए। थोड़ा अंदर आप दिखाइए क्या क्या चीजें आपने जो अपने दुकान में रखी। चाय का सारा सिस्टम है, चाय हो गई, फास्ट फूड का जो भी मतलब टूरिस्ट चलता है उसको मिलता है यहाँ पे, मैगी हो गई, फास्ट फूड में जो भी आइटम आती है, ब्रेड ऑमलेट हो गया, मैगी हो गई, चाय हो गई, मतलब रिसेंट जो भी कोई फैसिलिटी चाहिए गेस्ट को वो यहाँ मिल सकती है। सीटिंग अरेंज भी है, ऐसे हमारा ये भी है अपना बनाया हुआ, तो यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो आप क्या घर चले जाते हो या यहाँ पर? पहले इसको मैं मूव करता था पहले, तो आप कहीं अगर गर्मियों में ज्यादा टूरिस्ट जाता तो मैं यहीं सो भी जाता हूँ। काम चल जाता है? हाँ सर काम एकदम बढ़िया चलता, काम अपना दिन निकल जाता अच्छे तरीके से। जी सर, तो जब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि दूर से तो ये ऐसे लगेगा कि दुकानी है, शॉप आपने रखी है, लेकिन जब कोई नज़दीक आकर देखेगा तो उसको लगेगा ये तो ऑटो है, ऑटो में ही ये अपना ढाबा जो चला रहे हैं। जी हाँ, पिछले टाइम भी आए थे, कोई चैनल था वो, उनने भी ऐसे बनाया था वो, उनने तो देख के थोड़ा अच्छा उनको लगा कि एक छोटी सी मतलब अचीवमेंट है, क्योंकि ऑटो में ही सारा कुछ तैयार किया हुआ है, तो फैसिलिटी मिल जाती है गेस्ट को, और साथ में ये फॉरेस्ट भी व्यू देखो सर, फॉरेस्ट का भी यहाँ पे अच्छा वो है, बैठ सकते हैं लोग यहाँ फॉरेस्ट में जाके और अपना लंच वगैरह बना के, मतलब जो भी फैसिलिटी चाहिए उनको तो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये थोड़ा आगे से भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, ये फ्रंट जो शॉप का है, ये पीछे इसके अंदर पूरा सामान इन्होंने रखा है, यानी जो फास्ट फूड की जो चीज़ें आती हैं सारी आपको इस दुकान के अंदर मिलेंगी। ये जो एक ऑटो है, बाहर से तो आपको लगेगा कि ये ऑटो नहीं है, ये जो शॉप यहाँ पर है, लेकिन जब नज़दीक आकर आप देखोगे कैसे जो ऑटो के अंदर ये अपनी जो दुकान चला रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और जितने भी टूरिस्ट जो भद्रुआ घूमने के लिए आते हैं तो ज़रूर इनके पास आएँ, इनकी जो मैगी खाइए, इनके पास जो फिश होती है काफ़ी मशहूर जो नीरू की जो फिश है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और भी जो फास्ट फूड की तौर पर इनके पास मिलती हैं, ज़रूर आइए और अरविंद शर्मा जी के ढाबे पर यहाँ पर जो फास्ट फूड खाकर जाइए। आप देखते रहिए जेके मीडिया, धन्यवाद। ਬਲਾਈ ਮਤ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।